पिंड मायूपट्टी विखे आज़ादी दिवस समूह पिंड वासियों के सहयोग नाल मनाया गया। इस मौके संबोधन करदिआं साबका सूबेदार मेजर हरकमलजीत सिंह प्रधान प्रबंधक कमेटी गुरद्वारा शहीद बाबा खेम सिंह जी मायूपट्टी ने कहा कि इस दिवस से अज असीं उन्हां नूं याद कर रहे हाँ जिन्हां ने देश की आज़ादी लई कतरा कतरा खून बहाया ते अंग्रेजी साम्राज तों देशवासियों नूं भारी कुर्बानियां दे के आज़ादी लै के दित्ती। उन्हां कहा कि आज़ादी दिवस असीं बहुत खुशियां नाल नहीं मना रहे, जिस दा कारण है कि किसान बीते 10 महीनों तो अपनियां हकी मंगां लई दिल्ली बॉर्डर ते बैठे संघर्ष कर रहे हैं अते 700 दे करीब किसानां दी जान जा चुकी है। अज असीं 75वीं जो आज़ादी दिवस है उसके संदर्भ दे विच पिंड मायूपट्टी विखे एकत्र होए हाँ एक छोटे जे लैवल ते 15 अगस्त मनाने की यह पिंड का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही एक अच्छा शलाघाजोग कदम है, क्योंकि असी उन्होंने नमन करना है जिन्होंने अपना खून का कतरा कतरा बहा के ये आज़ादी हासिल की सी। ते अगर असी आज़ादी के हिस्सा नहीं पा पाए जो किसी पास्यों देश की तरक्की दे हिस्सा नहीं पाए ये लेकिन जिन्होंने पाया उन्होंने याद कर सकते हैं। तो ये असी एक माध्यम चुनिया कि जिस दे जरिए असी अपने शहीदों नूं प्रणाम कर सकीए जिन्हां ने साडे वास्ते एक आज़ाद हिंदुस्तान लै के दिता और अपनियां जान दियां परवाह ना करदे हुए कुर्बानियां दित्तियां, असी उन्हां नूं अज याद करते हाँ। तो मैं इस दे नाल ही जुड़िया होया जो असी जिन्नी खुशी नाल 15 अगस्त मनानी चाहीदी है उस तरह नहीं मना रहे, क्योंकि सारे ही देश दे विच एक कुदरती मार पई हुई है पूरे वर्ल्ड दे विच जो करोना है उसकी वजह नाल जो सारे ही वर्ग जो है प्रभावित हुए हैं। तो मैं दूसरा एक बहुत बड़ा जो दोष है वो साढ़े देश की सेंटर गौरमेंट है जो जिसने साढ़े किसान वीर जो है वो 10 महीनों तो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पर जो कि अपनियां मंगां एक हक के तौर पर नहीं एक भिखारी की तरह जो साढ़े सेंटर गौरमेंट ने किसानों उन्होंने इदा का व्यवहार किया है कि उन्हां दियां मंगां ना मन के एक उन्होंने विरोध के विच कानून बनाए हैं जिन्हां नूं कैंसल कराण वास्ते रद्द करवाण वास्ते साढ़े वीर भैन भरा जो है किसान सारे ही उत्थे मोर्चे विच बैठे हैं, लेकिन गौरमेंट टस तो मस नहीं हुई है। अज 10 महीने हो गए हैं और 500-600 किसानों दी जाना जो चुकिया हैं। मेरा ख्याल भी इदा का कोई आज़ाद देश नहीं होएगा भारत वर्गा जिथे किसानों की जो है जिंदगी की कोई कीमत ना हो। मैं अज ये 75वीं जो असी आज़ादी दिवस मना रहे हाँ तो मैं तो बहुत जे सच्चे दिलों कह कि आप इन्ने खुश नहीं है कि साड़ी कोई आज़ादी नहीं है, ये भी एक काले हिंदुस्तानियों की गुलामी है जिसनों मुख रख के असी अज एक अपने नगर विखे ये आयोजन किया है प्रोग्राम ता कि साड़ा ये मैसेज जो है ये सेंटर गवर्नमेंट तक पहुँचे उन्होंने कान ते कोई जू सरके और अगला एक्शन जो है किसान के हक विच लैन, नहीं तो इस देश का भविख जो है बहुत खतरे विच है। मैं इन्हां शब्दां नाल अपने आए हुए वीरां दा पिंडों जिन्हां ने यह आयोजन किया है और सानू इत्थे बुला के सन्मानित किया है ते अपने विचार सांझे करन दा एक मौका दिता है, मैं उन्हां दा तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ। तो इस नूं अगले साल असीं चाहुंदे हां कि होर थोड़ा वड्डे लैवल ते कीता जावे और यह मेरी जिहड़ी गल है सारे वीर भैन भरावां नूं जो भी इस वीडियो नूं देखे इनू जल्दी तो जल्दी शेयर करें और ये सेंटर गौरमेंट तक पहुँचावे कि असी खुद अनाज पैदा करने वाले अज सड़कां दे बैठे हैं तो सिर्फ ये एक नकम्मी नाकाम गौरमेंट की वजह ने। तो मैं इन्हां शब्दों के नाल ही सारे देशवासियों नूं जय हिंद कहिंदा हाँ। तो अपने पिंड दे जिहड़े एक्स सर्विसमैन है जां दूसरे साढ़े भैन भरा क्योंकि एक्स सर्विसमैन सर्विसमैन का ही रोल नहीं है, सारे ही A to Z जो साढ़े घर विच परिवार विच बैठे हैं उन्हों का भी बहुत बड़ा रोल होंदा है ताकि
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਫੌਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, NRI ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਈਓਪੱਟੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।